सर आपने वो पीडीएफ वगैरह सब सेंड किया था स्टूडेंट्स को? पीडीएफ तो मैंने सेंड कर दिया सर, वो वीडियोस अपलोड होने में ना फॉर्मेट का प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसके लिए भी मैंने ऐप अच्छा डाउनलोड अच्छा किया, अच्छा वो आज हो जाएगा। चलेगा चलेगा सर। तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने ये लॉजिक के टॉपिक्स में ये पढ़ा था कि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होते हैं, फिर इसके बाद में लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, हाँ लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, और इसके बाद में स्टेटमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। हम लोग ने स्टेटमेंट के दो टाइप पढ़े थे, एक फर्स्ट वन जो था, फर्स्ट वन वो सिंपल स्टेटमेंट था, और सेकेंड वन क्या था, कंपाउंड स्टेटमेंट था। एक बार मैं सब एक शॉर्ट टाइप रिवीजन करा रहा हूँ। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या था बेसिकली, जो स्टेटमेंट हमेशा या फिर सॉरी जो सेंटेंस आइदर ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स, बट दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए, बट दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, ऐसे सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। और उसके बाद में उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करते। इंट्रोगेटिव हो गया, फिर एक्सक्लामेशन हो गया, फिर इसके बाद में ऑर्डर रिक्वेस्ट हो गए, देन कमांड हो गए, ये सब जितने भी सेंटेंस होते हैं इनको हम लोग स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करते हैं। और फिर दो टाइप के स्टेटमेंट के, एक सिंपल स्टेटमेंट था और एक कंपाउंड स्टेटमेंट था। सिंपल स्टेटमेंट स्टूडेंट इनको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और कंपाउंड स्टेटमेंट वो दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करके फॉर्म होता है वो। देन इसके बाद में ओपन सेंटेंस हमने पढ़ा था। ओपन सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है, ओपन सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ पे जो वैल्यू है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा, मतलब वो सबके लिए कॉमन नहीं होता है। फिर स्टूडेंट हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ा था। लॉजिकल कनेक्टिव्स 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन जो था वो एंड था, और एंड का लॉजिक में नाम जो है वो कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन को हम लोग उल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इसके बाद में उसमें हमने ये देखा था कि जब हम लोग सेंटेंस को, जब हम लोग दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को अगर एंड से कंबाइन करते हैं तो वो कंजंक्शन होता है। और कंजंक्शन में जैसे अगर समझ लो दो स्टेटमेंट है, एक पी है और एक क्यू है, तो पी और क्यू के बीच में एंड होता है, और एंड मतलब कंजंक्शन जो कि उल्टा वी होता है। और उसके लिए हम लोग ने स्टूडेंट ट्रुथ टेबल देखा था। तो ट्रुथ टेबल के लिए कैसा होता है कि एंड में जब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, मतलब ट्रू होता है सॉरी, जब दोनों वैल्यू ट्रू होगा तभी वो स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, अदरवाइज बाकी सबके लिए वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट कॉलम जो था उसमें हम लोग 2 बार ट्रू लिखते थे और 2 बार फॉल्स लिखते थे। फिर एक मिनट स्टूडेंट, पी के लिए हम लोग 2 बार ट्रू लिखते थे एंड 2 बार फॉल्स लिखते थे। एंड जो क्यू के लिए 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स और 1 बार ट्रू और 1 बार फॉल्स वैसे लिखना होता है उसमें। देन इसके बाद में ये और के लिए हम लोग ने डिसजंक्शन में हमने ये पढ़ा था कि कैसे वहां पे अगर एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो बाकी सब जो वैल्यूज है और के लिए वो क्या हो जाता था, ट्रू हो जाता था। एंड इसके बाद में इम्प्लीकेशन था स्टूडेंट। इम्प्लीकेशन क्या था कि जब स्टेटमेंट को इफ और देन से ज्वाइन करोगे तो उसे हम लोग इम्प्लीकेशन बोलते हैं, और उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिंगल एरो से होता है। संकेत सर, हेलो। बोलिए सर। हाँ सर, एक मिनट, ये पीडीएफ फाइल ओपन नहीं हो रहा है, मैं ट्राई कर रहा था थोड़ा।
ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पीडीएफ ओपन ही नहीं हो रहा था, तो मैं आप लोग को एक मिनट, ठीक है हो गया वो। सर हाँ सर, ये इशू कंटिन्यू हो रहा है तो आप एक काम करिए, आप मुझे भेज दीजिए, मैं स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर देता हूँ। नहीं 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 सर, बस 2 मिनट। हाँ तो हमने देखा था ये मैथमेटिकल लॉजिक के लिए, इसमें 5 टाइप के कनेक्टिव्स थे। फर्स्ट एंड हो गया, फिर इसके बाद में और था, फिर इफ और देन था, देन लास्ट सॉरी फिर बाय कंडीशनल था। बाय कंडीशनल में कैसे था कि यहाँ पे ये डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन में स्टूडेंट कैसा रहता था कि दोनों स्टेटमेंट, जो दोनों स्टेटमेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। अब डबल इम्प्लीकेशन में यहाँ पे जैसे फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम देखेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टूडेंट कैसे था कि जो पी के लिए था, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट रो और लास्ट रो ये दोनों सेम होते थे। तो जब फर्स्ट एंड लास्ट रो में जब सेम वैल्यूज है तो उसके लिए ट्रू है, अदरवाइज बाकी सबके लिए फॉल्स है। देन नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि नेगेशन क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था नेगेशन का मतलब ये होता है कि अगर स्टेटमेंट में नॉट नहीं है, स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो नॉट इंसर्ट करना है, और इसके बाद में अगर है तो उसको निकाल देना है। कल हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर लिया, आज एक्सरसाइज के लिए जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो पढ़ेंगे एंड देन कुछ उससे रिलेटेड सम्स सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ये सेकंड एक्सरसाइज के लिए ये सब टॉपिक्स हैं। अब इसमें कैसे है ना, यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न है। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है स्टेटमेंट पैटर्न, यहाँ पे कैसे होता है कि जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स यूज्ड टू डिनोट दी स्टेटमेंट्स, जैसे कि मैंने आपने आप लोगों को बताया था जो लेटर्स होते हैं स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर, ये सब लेटर्स को हम लोग यूज करते हैं स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर उसको सिंप्लीफाई मतलब सिंपल लिखने के लिए हम लोग अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अल्फाबेट यूज करते हैं स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग रीड कर रही है, लेटर्स यूज टू डिनोट दी स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट लेटर्स, proper combination of statement letters and connectives is called a statement pattern. Student, अगर हमने statement के letters भी use किए हैं और connectives भी use किया है, इसका मतलब कैसे कि and वगैरह use किया हमने, या फिर और use किया है, if then use किया है, और या फिर p q r में से कोई भी symbol use किया है, तो उसे हम statement pattern बोलेंगे। और statement pattern को हम लोग और प्रोपोजिशन भी बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जांपल है, पी है और क्यू है, पी और क्यू को हमने इम्प्लीकेशन से ज्वाइन किया है तो ये एक स्टेटमेंट पैटर्न हो जाता है। अब नेक्स्ट में पी है क्यू है उसको और से ज्वाइन किया है तो ये भी एक स्टेटमेंट पैटर्न है। तो बेसिकली स्टेटमेंट पैटर्न स्टूडेंट ये होता है जहाँ पे लेटर का भी कॉम्बिनेशन होता है और लॉजिकल कनेक्टिव का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसे टाइप के मतलब पैटर्न को हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं। तो इक्विवेलेंस से हम लोग को ये पता चलता है स्टूडेंट कि वो दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रूथ वैल्यूज आर आइडेंटिकल।
इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि अगर दोनों का ट्रुथ वैल्यूज इक्वल है सर हाँ सर आई एम सॉरी वन सेकंड बट हु इज दिस आदित्य आदित्य दिस इज नॉट अ प्राइवेट चैट प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस इन द चैट सेक्शन ऑफ दिस वन कैरी ऑन सर कैरी ऑन हेलो 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 सर सर इसका का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है उनका लैपटॉप रीस्टार्ट हो गया तो गिव हिम 2 मिनट्स ही विल बी जॉइनिंग अगेन हेलो स्टूडेंट्स जस्ट टू रिमाइंड यू ये कॉल 11:30 को कट जाएगा उसके बाद में तुमको एक और लिंक भेजूंगा उसको ज्वाइन करना है मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स के बीच में ऑलराइट सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तो संगीत सर हाँ सर हाँ सर हो रहा है ना बराबर हाँ हाँ मैं कंटिन्यू करता हूँ सर तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न पढ़ रहे थे स्टेटमेंट पैटर्न स्टूडेंट ये था कि जब हम लोग सिंबल यूज करेंगे और लॉजिकल कनेक्टिव्स भी यूज करोगे सर सर हाँ वीडियो नहीं दिख रहा अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी
स्टेटमेंट पैटर्न तो हम लोगों ने पढ़ा कि जिसमें लेटर्स भी होता है और कनेक्टिव्स भी होता है, तो उससे हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न बोलेंगे स्टूडेंट। एंड इसके बाद में लॉजिकल इक्विवेलेंस, जिसके अगर दो स्टेटमेंट के अगर ट्रुथ वैल्यूज, दो स्टेटमेंट के अगर ट्रुथ वैल्यूज इक्वल होंगे तो उसे हम लोग लॉजिकल इक्विवेलेंस बोल सकते हैं। जैसे अगर ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है तो ए एंड बी दोनों क्या होंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। ए एंड बी जो दोनों होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। देन इसके बाद में यहाँ पे ये स्टूडेंट ये जो टॉपिक है इसके बाद वाला टॉटोलॉजी, इसके बाद में ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन होता है कि हमें कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट दिए रहते हैं पहले से, मतलब स्टेटमेंट पैटर्न दिए होंगे, हमें ना टेबल प्रिपेयर करना होता है। तो इसमें क्या करना होता है ना स्टूडेंट, हम लोग को ये चेक करना होता है कि जो पैटर्न दिया है वो टॉटोलॉजी है। तीन टाइप होते हैं, टॉटोलॉजी होता है और इसके बाद में कॉन्ट्राडिक्शन होता है और कॉन्टेंजेंसी होता है। तो बेसिकली जो ये फर्स्ट वाला जो टॉपिक है टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि अगर लास्ट कॉलम जो भी होगा, जो पैटर्न दिया रहेगा, अगर लास्ट कॉलम जो है अगर वो सब ट्रू है, अगर लास्ट कॉलम में सब वैल्यूज ट्री है तो वो टॉटोलॉजी बन जाता है। अब यहाँ पे कैसे, अ स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न जिसका ट्रूथ वैल्यू सिर्फ टी आना चाहिए फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ, बेसिकली मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो हमें पैटर्न दिया रहेगा, अब इसका हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर लास्ट रो लास्ट कॉलम में सब वैल्यू टी है तो वो टॉटोलॉजी होता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पी है और फिर नेगेशन ऑफ पी है, पी और नेगेशन ऑफ पी है, एक मिनट स्टूडेंट, अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट के लिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल है आपसे बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ ये एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट, अब ये टॉटोलॉजी का एग्जांपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट ये क्वेश्चन हमें दिया रहेगा, ये एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट पैटर्न स्टूडेंट दिया रहेगा और इसके बाद में हमें ये चेक करना होता है कि टॉटोलॉजी। हाँ वरुण, हेलो, टॉटोलॉजी नहीं समझा। अच्छा अच्छा रुको रुको, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं वही कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो सर, टॉटोलॉजी नहीं समझा। नहीं नहीं अभी मैं वही समझा रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ अभी। देखो अच्छा, टॉटोलॉजी क्या होता है कि एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया रहेगा, अगर स्टेटमेंट पैटर्न दिया रहेगा और उसका लास्ट जो कॉलम होगा अगर वो सब टी होगा तो वो टॉटोलॉजी होता है। वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा था आपको। अब यहाँ पे कैसे, ये जो एग्जांपल है इसमें देखोगे, अगर ये क्वेश्चन हमें दिया रहेगा, ये सेवन ये एक्सरसाइज का सम है, ये सम में दिया रहता है, ये स्टेटमेंट पैटर्न हमें दिया रहेगा। अगर यहाँ का जो ये लास्ट कॉलम देख रहे हो आप, ये लास्ट कॉलम अगर सबके सब, देखो यहाँ पे सबके सब जो है वो ट्रू है, ये लास्ट कॉलम में जो देख रहे हो आप ये सब टी है तो ये टॉटोलॉजी होता है। अगर इसके ऊपर ही हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कैसे ये सब एफ है तो ये फॉल्स है। ये कौन कर रहा है ऐसे, सर आज वापिस किसी ने मस्ती स्टार्ट की। हाँ
टॉटोलॉजी के लिए एक बार मैं सब रिपीट करा देता हूँ. टॉटोलॉजी के लिए सब लास्ट कॉलम टी रहेगा. कॉन्ट्राडिक्शन के लिए सब लास्ट स्टेटमेंट में जो भी लास्ट कॉलम होगा वहां पे सब फॉल्स हो जाएगा. अ स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स. अगर सब लास्ट कॉलम में वैल्यू फॉल्स होगा तो उसे हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे. अगर सब टी है तो टॉटोलॉजी, सब एफ है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा. अगर दोनों भी नहीं है मतलब वहां पे टॉटोलॉजी भी नहीं है कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, मतलब अगर दोनों भी आएंगे उसमें टॉटोलॉजी भी आएगा और ये कॉन्ट्राडिक्शन भी आएगा तो वहां पे वो कॉन्टेंजेंसी बन जाता है. इसमें कैसा रहता है स्टूडेंट्स, ट्रू भी आता है और फॉल्स भी आता है. कैसा है, तीन कंडीशंस हो जाएंगे. अगर फर्स्ट कंडीशन है मतलब सब टी है तो वो टॉटोलॉजी बन जाएगा, और अगर सब फॉल्स है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगा. और अगर वहां पे दोनों भी है, टॉटोलॉजी भी है और कॉन्ट्राडिक्शन भी है, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्टेंजेंसी बन जाएगा. अब जैसे ये एक्सरसाइज थोड़ा लेंदी है. इसमें क्वेश्चन नंबर वन में 10 सम है, क्वेश्चन नंबर टू में भी 10 सम है और क्वेश्चन नंबर थ्री में भी 10 सम है. तो हम लोग कुछ सम से यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन वन क्या दिया है यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल. ये सब 3 मार्क्स के लिए स्टूडेंट आते हैं. अगर इसमें अभी तो 2 स्टेटमेंट है तो ये सब तो 2 मार्क्स के लिए आएंगे, बट अगर 2 से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे तो वो 3 मार्क्स के लिए आते हैं पेपर में. और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कंस्ट्रक्ट क्या बोला है, द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स. अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमें यहाँ पे दिया रहेगा. तो पहले ना हमें यहाँ पे सिर्फ लेटर्स देखना है. लेटर्स कौन कौन से हैं, एक लेटर पी है और एक फुल है, पी क्यू है. तो स्टूडेंट जैसे कि अगर इनका ट्रुथ को कैसे फॉर्म करना होता है, तो फर्स्ट में पहले हम लोग पी लिखेंगे. पी के लिए वही सेम रूल रहता है, 2 बार ट्रू लिखना होता है और 2 बार फॉल्स लिखना होता है. क्यू के लिए 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स लिखना होता है. अब स्टूडेंट हमें पहले फर्स्ट ट्रुथ टेबल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कितने लेटर्स थे वो देखो. अब हम लोग ने यहाँ पे देखा कि सिर्फ 2 लेटर्स थे, एक पी था और एक क्यू था, तो हमने पी एंड क्यू लिख लिया. इसके बाद में ना यहाँ पे देखना होता है कि जो मेन कनेक्टिव है वो कौन सा है. अब ये देखेंगे अगर ये दोनों स्टेटमेंट मतलब ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है इसमें है, इसके बाद जो सेकंड है. अब दोनों जो स्टेटमेंट है उनको ऑप्शन से ऐड किया है, इम्प्लीकेशन से ज्वाइन किया है, तो ये जो एरो है मतलब इम्प्लीकेशन जो है उसके जो पहले वाला है उसको सेपरेट कैलकुलेट करना है, उसके बाद वाला जो है उसको सेपरेट कैलकुलेट करना होता है. अब ये जो एरो के पहले है उसको देखो अच्छे से यहाँ पे कैसे ये ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट है. ध्यान से सुनना स्टूडेंट, इसमें थोड़ा कैसा कंफ्यूजन होता है और इसमें कैसे ना पहले ब्रैकेट के पार्ट को सॉल्व करना पड़ता है. तो ब्रैकेट के पार्ट को हम लोग सॉल्व करना पड़ता है. तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे P इम्प्लीकेशन Q है. तो अगर आप लोगों को याद होगा इम्प्लीकेशन में मैंने ये बताया था. अब यहाँ पे कैसे P को पहले देखना है, Q को बाद में देखना है. तो पहले P का स्टेटमेंट, फिर Q का स्टेटमेंट, फिर P इम्प्लीकेशन Q के लिए. जब एक स्टेटमेंट ट्रू होगा दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, बाकी अदरवाइज सबके लिए वो क्या हो जाएगा, ट्रू. तो होप सो आप लोग को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब देखना कि फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ये जो P इम्प्लीकेशन Q है उसको और ज्वाइन किया है किसके साथ में, Q के साथ में ज्वाइन किया है और यहाँ पे कंजंक्शन यूज किया हुआ है. तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे ना, देखना है कि पहले कौन सा ये टर्म है, यहाँ पे थर्ड कॉलम है, यहाँ पे P इम्प्लीकेशन Q, ये P इम्प्लीकेशन Q हो गया और इसके बाद में Q है तो यहाँ पे भी Q हो गया. एंड देखो थर्ड कॉलम जो है वो और सेकेंड कॉलम जो है वो, इनको हम लोग को ज्वाइन करना है कौन सा कनेक्टिव यूज करके, एंड यूज करके. तो हम लोग ने पहले थर्ड कॉलम को लिखा, फिर इसके बाद में सेकंड कॉलम को लिखा और फिर इसके बाद में दोनों को हम लोग को यहाँ पे जो सिंबल है वही लिखा यहाँ पे एंड. अब किसको किसको देखना होता है स्टूडेंट, ये एंड के पहले जो है, ये एंड के पहले यहाँ पे पी इम्प्लीकेशन क्यू है. तो पहले हम लोग को थर्ड कॉलम देखना है फिर सेकेंड कॉलम देखना है. तो अच्छा एंड के लिए कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट की, दोनों अगर टी होगा, दोनों अगर टी होगा तभी टी आएगा. अब फोर्थ
कॉलम में स्क्वायर देखेंगे हम लोग, तो ये पहले देखते हैं कि जो थर्ड कॉलम है ये टी है, ये भी टी है, इसलिए यहाँ पे टी आ जाता है। अब जो थर्ड रो है ये टी है और ये भी टी है, इसलिए यहाँ पे भी टी आ जाता है। बाकी अदरवाइज के लिए सेकेंड एंड फोर्थ के लिए, सेकेंड एंड फोर्थ के लिए ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पे कैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि ये इसमें छोटे छोटे टर्म्स पहले कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि हमें मैट्राइसिस में हमने पढ़ा है कि वहां पे कैसे एक पर्टिकुलर छोटा छोटा टर्म्स कैलकुलेट करना है, फिर बाद में उसको सब मर्ज कर देना होता है। तो बेसिकली ट्रुथ टेबल कैलकुलेट करने के लिए पहले फर्स्ट पॉइंट क्या रिमेम्बर रखना है हमें, कि कितने स्टेटमेंट इन्वॉल्व है वो देखना है। जब वहां पे हम लोग ने पहले स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया पी क्यू है, तो पी क्यू के लिए सेम वैसे ही दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, क्यू के लिए एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। और इसके बाद में फिर देखना है कि ये जो यहाँ पे मेन कनेक्टिव है वो कौन सा है, उसके पहले वाला ब्रैकेट का पूरा पार्ट कैलकुलेट करोगे, फिर उसके बाद वाला। तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ कॉलम हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कॉलम हो गया। अब ये लास्ट कॉलम जो है, अब देखेंगे स्टूडेंट ये जो, हाँ सर ये एंड हम लोग ज्वाइन किए ना, पी प्लस ऑन क्यू एंड क्यू, उसमें फोर्थ वन आएगा ना सर? फोर्थ वन, ये फोर्थ टेबल का फोर्थ वन, फोर्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम क्या आएगा? हाँ हम लोग एंड से ज्वाइन किए, तो एफ एंड टी को यहाँ पे, हेलो, हाँ महालक्ष्मी, हाँ सर, हाँ देखो कैसा होता है ना कि ये जो थर्ड वाला मतलब थर्ड वाला जो कॉलम है ना वो पी इम्प्लीकेशन क्यू है और सेकंड वाला जो है वो क्यू है, तो एंड का मतलब क्या था ना कि दोनों का वैल्यू टी होना चाहिए तभी टी आएगा। अब यहाँ पे कैसे एक टी है ये भी टी है फर्स्ट वाले में देखो दोनों अगर टी है तो यहाँ पे टी लिख दिया मैंने, फिर तीस तो मतलब ये थर्ड वाला जो है थर्ड वाले में भी दोनों टी है इसलिए यहाँ पे भी टी आ जाता है। बट ये जो सेकंड एंड फोर है ना इसमें देखो दोनों में टी नहीं है इसलिए वो फॉल्स आ जाता है दोनों के लिए। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ तो अब लास्ट जो कॉलम है, अब स्टूडेंट ये जो फोर्थ वाला कॉलम है ना इसमें हम लोग को कैसे ये पूरा लेफ्ट साइड का पार्ट मिल गया। अब ये देखो ये पूरा लेफ्ट साइड का पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया फोर्थ में, और ये जो इम्प्लीकेशन के बाद वाला स्टेटमेंट था वो पी था। अच्छा पी तो हम लोग ने पहले से कैलकुलेट किया इसलिए उसको बाद में लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो मतलब स्टेटमेंट है फोर्थ कॉलम वाला और ये फर्स्ट कॉलम वाला, इनको ज्वाइन करना है, इनको ज्वाइन करना है और वो भी इम्प्लीकेशन से ज्वाइन करना है। तो जैसा स्टेटमेंट दिया रहेगा पहले वही सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले हम लोग ने यहाँ पे फोर्थ कॉलम का जो पैटर्न था वो लिख दिया, फिर उसको कंबाइन करना है फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो फोर्थ कॉलम फिर इम्प्लीकेशन फर्स्ट कॉलम आ जाता है। अब यहाँ पे ऑर्डर कैसा होगा, पहले फोर्थ कॉलम होगा फिर फर्स्ट कॉलम होगा, ऐसा देखना होगा। मतलब जैसे सीक्वेंस में है वैसे ही देखना है हमें। तो इम्प्लीकेशन के लिए स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर पहला टी होगा दूसरा फॉल्स होगा तभी वो फॉल्स होगा, बाकी सबके लिए वो ट्रू हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट फर्स्ट में यहाँ पे ये टी है और ये भी टी है, तो ये क्या हो जाता है, टी हो जाता है। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये फॉल्स है सेकंड में और ये टी है, तो ये भी टी आ जाता है। बट ये जो थर्ड रो है, थर्ड रो में एक टी है और एक एफ है, फोर टू फर्स्ट देखना है, फोर टू फर्स्ट देखना है हमें, फोर देखना है फिर बाद में फर्स्ट देखना है। तो फोर्थ में देखोगे थर्ड रो में एक टी है और फिर एक एफ है, तो टी और एफ मिलके क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। बाकी सब के लिए देखोगे लास्ट में ये क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। अब ये पूरा एक्सरसाइज में स्टूडेंट ऐसे ट्रुथ टेबल कैलकुलेट करना है। तो अगर आप लोगों को डाउट्स वगैरह होगा तो रेज हैंड वगैरह रेज कर देना यहाँ पे, या इमोजी वगैरह, या फिर चैट में चैट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना। सर, हाँ सर, तो ये वाला वीडियो, ये वाला मीटिंग का टाइम खत्म होने आ गया, तो अच्छा। ये वाले को एंड करते हैं, इसके बाद मैं अभी एक और भेजता हूँ लिंक सबको, सब लोग को वही ज्वाइन करना है। ओके सर, ओके, ठीक है, ओके, हाँ।